अपने डेली लाइफ के चीज़ों को डेट देख के खरीदना चाहिए। मैंने इससे सीखा कि हमें चीज़ों को कब तक यूज़ करना चाहिए। अभी देखता हूँ, जिप तो दिखाओ बेटा। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे? ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख रही, यहाँ भी कोई नया दर्द होगा ना। हमारी बीमारी तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पूरियां बेचता हूँ तो मामूली सी बात है, लेकिन यह मामूली सी बात बड़े बड़े को छका देती है। मैं समझ गया, लो जी दीनानाथ, तुम ही पूरियां ले जाओ। आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी के साथ देनी है। दो तीन दस्त होंगे फिर तुम्हारा ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंग।
नमस्कार, मेरा नाम तनीषा ठाकुर है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ महातारी बनी हूँ। उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ के निवासियों का मुख्य फसल धान है, इसलिए मुझे धान का कटोरा भी कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जीवन रेखा महानदी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you.
पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो लीजिए प्रस्तुत है। साफ सफाई का सपना था बापूजी के ध्यान में, साफ सफाई का सपना था बापूजी के ध्यान में, आओ संविधान बनाएं स्वच्छ भारत अभियान में, आओ संविधान बनाएं स्वच्छ भारत अभियान में, घर आंगन की करें सफाई, घर आंगन की करें सफाई, साफ दिखे हर कोना, घर आंगन की करें सफाई, साफ दिखे हर कोना, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, दिल में यही सजोना, दिल में यही सजोना, करो इकट्ठा एक साथ सब डालो कूड़ा दान में, करो इकट्ठा एक साथ सब डालो कूड़ा दान में, आओ संविधान बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में, आओ संविधान बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में, गलियों और पार्कों में भी साफ सफाई रखना, गलियों और पार्कों में भी साफ सफाई रखना, निज आंगन की तरह सदाई उनको आप समझना, निज आंगन की तरह सदाई उनको आप समझना, खुद भी टहलो बच्चे खेलें, खुद भी टहलो बच्चे खेलें, इस स्वच्छता इसी बीच दरमियान में, खुद भी टहलो बच्चे खेलें इसी बीच दरमियान में, आओ संविधान बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में, आओ संविधान बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में, अस्पताल हो या कार्यालय, विद्यालय हो या सचिवालय, हरदम रखें साफ सफाई समझे इन्हें शिवालय, हरदम रखें साफ सफाई समझे इन्हें शिवालय, दूर से कोई मेहमान भी समझे आए देश महान में, दूर से कोई मेहमान भी समझे आए देश महान में, आओ संविधान बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में, साफ सफाई का सपना था बापूजी के ध्यान में, आओ संविधान बटाएं स्वच्छ भारत अभियान में, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी डू द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड बुक एक्सरसाइज 5.3। इन दिस activity we have china rose petal as indicator and some solution like shampoo solution, lemon juice solution, vinegar solution, sugar solution, common salt solution and soda solution. So we find that which is acid and basic. In this activity we have an china rose petal juice and many solution like shampoo solution, lemon juice solution and vinegar solution, sugar solution, common salt solution, baking soda. So first of all we put five drop of china rose petal solution on the shampoo solution. So friends, here we see the color is changing into none. Here friends, we see the color changes into red. And then we write red here. Here friends, we see the color changes into reddish pink. So we find that the lemon juice is an acidic solution, and then same we put few drop of china rose petal solution on the vinegar.
here we see the color changes into reddish pink. So we write here pink. So it is also an acidic solution. And same here, we put few drop of China rose petal solution on the sugar. And friends, you see no color change. So we write here no color change. And then same we put few drop of China rose petal solution in the common salt solution. Here friends, we also see the color changes into none. So here we write no color change. And then we put few drop of China rose petal solution in baking soda. Mummy, green mein ho start. Here friends, we see the color changes into light green. So it means the baking soda solution is an basic solution. So we write here green. And friends, here we write that the shampoo solution is neutral, lemon juice solution is an acidic acid, and vinegar solution also as acid solution. And sugar solution is neutral, salt solution also neutral, and soda solution is basic. So friends, here we find out that the solution is neutral or acidic or basic. So, bye friends, and thanks. Good morning, sir. My name is Anshika. ये तीन मिट्टी के ऊपर अगर हमने दो ईटा रखे हैं तो ये जॉइंट में ज़्यादा मजबूत होगा. और ये दो जॉइंट के ऊपर हम ये ईटा रखते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इसमें ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो एक एक जॉइंट में ज़्यादा स्ट्रांग है. और अगर हम सेकेंड पैटर्न देखें पहले वाले से, क्योंकि इसमें जॉइंट के ऊपर कुछ नहीं रखा गया है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है. थैंक यू. सो ये हमारा सेकेंड वाला है. थैंक यू. माय नेम इज़ गुंजन बोस. आई रीड इन क्लास 7B. आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय महासमुंद. टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ मैथ एक्टिविटी बिफोर यू. द मैथ एक्टिविटी इज गोइंग फ्रॉम द चैप्टर कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. सो लेट स्टार्ट. कंग्रुएंट मीन अ शेप और एन ऑब्जेक्ट विच कवर्ड अनदर कंप्लीटली. We take two examples, orange circle, blue circle. Orange circle radius is 5 cm, blue circle radius is also 5 cm. When we covered both circles, it covered completely, means that is congruent. We take two triangles, the property is SSS, means side, side, side. This side is 8 cm, this also 8 cm, this is 9 cm,
This is also 9 cm. When we covered both triangles, we saw that is covered completely, means that is congruent. There are two triangles. Its property is ASA, means angle, side, angle. Angle, side, angle, side, and angle. The angle is 60 degree, angle is 40 degree, and the side is 4.5 centimeter. That is 60 degree, 4.5, and 40 degree. When we covered both triangles, then we saw that that are covered completely, means that is congruent. We take two triangles and the property is right angled hypotenuse side, means right angled hypotenuse and side. This is 90 degree and the hypo is 13.5 centimeter. When we covered both triangles, it covered completely, means that is congruent. Now we take an example of non-congruent. The radius of blue circle is 4.5 centimeter. The radius of orange is 5 cm. When we covered blue circle is not covered orange circle, means that are not congruent. Thank you and have a nice day. Okay, this is some flower here. In this flower, it has both male and female parts. Okay, this one is bisexual flower. Now, the pollen grain can transfer from this part to this part. Or, we can do another diagram here. This is flower number 1 and flower number 2. Now pollen grain that produce in anther can be transferred from anther to stigma of same flower, or it may be transferred from this pollen grain to another stigma. Here is chances of here the transfer of anther of pollen grain from anther to stigma in the same plant or same flower. Here is the chances. Okay, another chances here too, here also. So there are different possibilities of transfer of gametes. Okay, and this transfer of gametes is called pollination. You can write the definition here: transfer of pollen grain from anther to stigma. The process may be within the flower or in between two flowers. And between. Rahul? Amen. Very Amen. Good. Amen. Okay. What is this part? Anther. And this is anther. Okay, good. Very good. It has some powder-like substance. Okay. And it contains the pollen grain. You have seen on the flower also that this is the male part produce pollen grain. Similarly, if we identify another structure, who can identify what is the structure called? Pistil. This is pistil.
the female part. Good. Now see, the receptor part, this is called stigma. This one is style. We have studied in that structure of flower. Now see, inside the ovary, another structure called ovule. Okay, this structure is called ovule. Now, this is two main parts in plant. One is male, other is female. If both parts are present, if both male and female present in same plant,